हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो अभी हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, जब बाहर से हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करे तब हवा में नमी को सोखने का कार्य कहलाता है। एक्चुअली में क्वेश्चन है कि क्वेश्चन होना चाहिए, जब ट्रांसफार्मर में प्रवेश हवा ट्रांसफार्मर में बाहर से प्रवेश करता है तो नमी को सोखने का कार्य कौन करता है। तो ये कार्य करता है ब्रीदर करता है, और ब्रीदर में जो भरा होता है वो क्या होता है, वो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल आप देखते हैं कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है, कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है सिलिका जेल। और सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अंदर खींचता है, तब हवा नमी को सोखने का कार्य करता है। तो ब्रीदर, ब्रीदर में लगे सिलिका जेल ही क्या करता है, ट्रांसफार्मर के में जो बाहर का हवा खींचता है तो जो मॉइस्चर होता है उसको रोकने का कार्य किसका है, ट्रांसफार्मर में लगे ब्रीदर का, जो कि कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। और ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है उसमें जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, उसमें ऑयल भरा होता है, ठीक है। उसके बाद एक कंजर्वेटर टैंक जुड़ा होता है, और कंजर्वेटर टैंक को हाफ या पार्शियली फिल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है या ज़्यादा समय तक चलती है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है गर्म होता है, गर्म होने के कारण उसका एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होने के कारण जो है वो कंजर्वेटर टैंक में तेल का बहाव होता है, और अगर यह खाली नहीं होगा, आधा भरा नहीं होगा, तो कंजर्वेटर टैंक जो है फट जाएगा। या ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक लगाने का भी कार्य यही होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही ऑयल रहेगा तो वो फट जाएगा, इसीलिए कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है, उसको हाफ पार्शियली फिल किया जाता है। और इसी से जुड़ा होता है हमारा ब्रीदर। और एक चीज़ है कि, और जैसे ही जब ठंडा होता है या तेल की कमी होती है तो कंजर्वेटर तेल टैंक का जो तेल होता है यहाँ टैंक में आ जाता है, ट्रांसफार्मर के टैंक में, और इसी से जुड़ा होता है हमारा ब्रीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का दक्षता का प्रतिशत मान कितना होता है। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता जो होती है आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100, और इनपुट को आप लिख सकते हैं, इनपुट का अर्थ होता है कि और इनपुट का अर्थ होता है आउटपुट, और आउटपुट को हम इनपुट जो होता है आउटपुट प्लस लॉस भी लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस। चूंकि हमारा जो इनपुट है, अगर हम जैसे 100 वोल्ट का इनपुट देते हैं तो हमको 100 वोल्ट का आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, उसमें से कुछ हानियां जो होते हैं कॉपर लॉस आयरन लॉस के तहत जो हानियां होता है उससे वो कम हो जाता है, यानी 80-90 इस तरह से होते हैं। तो जो आउटपुट होता है उसमें आउटपुट किलोवाट कॉपर लॉस आयरन लॉस गुना 100, यही हमारा क्या है जो दक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर रेगुलेशन क्या होता है। अब ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन, तो आप देख सकते हैं इसका जो फार्मूला होता है, नो लोड माइनस फुल लोड गुना बटा फुल लोड गुने 100। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलेशन या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, वोल्टेज रेगुलेशन रेशियो भी इसको बोलते हैं।
तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये DFCCIL के 2018 वाले वैकेंसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं? तो कोर टाइप के जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पथ एक होते हैं। ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है? तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात के बराबर क्या होता है? N2 / N1 / V2 / V1 = I1 / I2। तो यहाँ पे बस यही दिया है N2 / N1। ट्रांसफार्मर की रेटिंग की जाती है, तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा क्या होता है? KVA में होता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानियाँ लोड के साथ परिवर्तित होती है? तो आप याद रख सकते हैं ट्रांसफार्मर में दो हानियाँ होता है, एक होता है आयरन लॉस जिसको कि कोर लॉस बोलते हैं, और एक होता है कॉपर लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है वो जब ट्रांसफार्मर को लोड के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसमें एडिशनल जो हानियाँ होती है वो कॉपर लॉस भी होती है, और जब तक ट्रांसफार्मर आइडल है मतलब कि वो लोड से नहीं जुड़ा है उसमें कॉपर लॉस नहीं होता है, केवल और केवल जो उसके वाइंडिंग और इक्विपमेंट है उसी के जो लॉसेस होते हैं वही होते हैं। तो आयरन लॉस जो होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, और कॉपर लॉस जो होता है वो लोड के साथ परिवर्तित होता है, जबकि आयरन लॉस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा होती है? तो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग भाग में सबसे अधिक ऊष्मा होती है। अभी हमने बात किया था कि जो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग होता है वो तेल में ही रखा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि वो उसको कूलिंग प्रदान करे। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी, ट्रांसफार्मर का जब भी दक्षता अधिक होता है तो उसमें क्या होता है कि आयरन लॉस जो होता है वो कॉपर लॉस के बराबर हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी? मैक्सिमम होगी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की विभव ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है। तो हम ये दो क्वेश्चन जो होता है हमेशा आता है कि ट्रांसफार्मर के दो और टाइप होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में CTPT आप लोग नाम सुने होंगे, CTPT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है? स्टेप अप होता है, और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप डाउन होता है। चूँकि बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर लगा के वोल्टेज का माप नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो दो टाइप के होते हैं, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विभव ट्रांसफार्मर PT और करंट ट्रांसफार्मर CT। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर जो है वो समानांतर में, सर्किट के समानांतर में लगाया जाता है, और CT जो है वो सीरीज में लगाया जाता है। तो जो हमारा विभव है वो स्टेप डाउन है, यानी कि स्टेप डाउन का अर्थ होता है कि सेकेंडरी में है जो टर्न की संख्या क्या होगा? कम होगा। तो प्राइमरी में जाहिर है कि अधिक फेरे होंगे, तो प्राइमरी में अधिक फेरे होंगे, और अधिक फेरे होने के लिए क्या होने चाहिए कि जो वायर होना चाहिए वाइंडिंग के लिए वो पतला होना चाहिए, तभी आप टर्न ज़्यादा रख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है CT के प्राइमरी वाइंडिंग, तो CT जो होता है स्टेप अप होता है, तो स्टेप अप का अर्थ है कि सेकेंडरी में जो है स्टेप अप का अर्थ होता है कि सेकेंडरी में जो है वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा होगी, तो प्राइमरी में क्या होगा? वाइंडिंग की संख्या कम होगी। तो कम वाइंडिंग के लिए तार जो होते हैं मोटे रखे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यंग ट्रांसफार्मर प्राय होते हैं, धारा को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। CT और PTSC में मूल राशि मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जनरली धारा और वोल्टेज, तो धारा और वोल्टेज मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? CT और PT का। धारा करंट हो गया I,
और वोल्टेज भी यानी कि P बराबर VI होता है। तो यानी कि तीनों राशियां धारा, वोल्टेज और पावर, ये तीनों राशियों का मापन किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी हमने बताया CT और PT, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पाँच एम्पियर के अमीटर को करंट ट्रांसफार्मर के साथ प्रयुक्त करने पर कितने एम्पियर की धारा को मापा जाता है, तो अभी हमने बात किया कि जो अमीटर होते हैं, डायरेक्ट अमीटर से हम अधिक करंट को नहीं माप सकते, इसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और इसके कारण वो 1000 एम्पियर तक की मैक्सिमम धारा को माप सकता है। और चूँकि इसका जो सेकेंडरी में मान जो होता है वो कितना होता है, 5 एम्पियर ही होता है, ये फिक्स टर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं, पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंत्र ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग से क्या ज्ञात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर निष्पत्ति एवं कला कोण ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर ट्रांसफार्मर को सर्किट में लगाया जाता है, तो जैसे आप वोल्ट मीटर लगाते हैं समानांतर क्रम में, ऐसे ही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को भी समानांतर क्रम में और करंट ट्रांसफार्मर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप अप होगा यदि उसका क्या होगा, शक्ति गुणांक जो होता है के का मान 1 से ज़्यादा होगा तो वह स्टेप अप होगा, और के का मान जो है 1 से कम होगा, के का मान अगर 1 से ज़्यादा होगा तो स्टेप अप होगा, और के का मान जो है 1 से कम होगा तो स्टेप डाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं, तो ऑटो ट्रांसफार्मर वैसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें एक ही वाइंडिंग में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होते हैं, एक ही वाइंडिंग होते हैं उसमें प्राइमरी वाइंडिंग भी होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग भी होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का बात कहा गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने वाइंडिंग होते हैं, तो एक ही वाइंडिंग होंगे। ट्रांसफार्मर की दस्ता, ट्रांसफार्मर एक ऐसा एस्टेटिक्स इक्विपमेंट है जिसकी सबसे अधिक दक्षता होती है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो इसके कारण इसके जो लॉस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो 98.9% तक इसकी दक्षता होती है। स्कॉट कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर में 0.866 पर कार्य करता है, तो 0.866 वोल्टेज पर कार्य करता है। स्कॉट कनेक्शन से जो मुख्य क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कि स्कॉट कनेक्शन क्या होता है। स्कॉट कनेक्शन ऐसा सिस्टम है जिसमें दो ट्रांसफार्मरों को जोड़ करके थ्री फेज टू फेज एंड वाइस वर्सा, यानी कि यहाँ दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को जोड़ने का प्रक्रिया है स्कॉट कनेक्शन। और इसका कार्य क्या होता है, तो ये थ्री फेज को टू फेज में और टू फेज को थ्री फेज में, यानी कि आप इससे थ्री फेज टू टू फेज एंड टू फेज टू थ्री फेज वाइस वर्षा के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्कॉट कनेक्शन जो होता है बैलेंस लोड भी वोल्टेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर की टेपिंग प्रायः लगाई जाती है, तो ट्रांसफार्मर की टैपिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लोगों को बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि ट्रांसफार्मर की टैपिंग प्रायः कहाँ लगाए जाते हैं। तो ट्रांसफार्मर की टैपिंग बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चेंज किए जाते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन का आंसर है कि अधिक वोल्टेज साइड यानी हाई वोल्टेज साइड, अगर क्वेश्चन रहेगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा स्टेप अप है तो कहाँ पर आप टैपिंग करेंगे, तो सेकेंडरी में टैपिंग करेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग का अर्थ होता है कौन सा वाइंडिंग है, HV वाइंडिंग। अगर ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप डाउन है तो आप क्या करेंगे, अगर हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो आप टैपिंग कहाँ कर सकते हैं, तो जाहिर है कि स्टेप डाउन में जो हाई वोल्टेज साइड होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होता है। अब यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अभी एक खाली में एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर में जो टैपिंग होते हैं वो HV साइड के किस साइड लगाए जाते हैं,
एचबी साइड के शुरुआत में, अंत में, मिडिल में, या एलबी साइड के शुरुआत में, अंत में, इस तरह से ऑप्शन थे। तो उसमें ऑप्शन जो मेन ऑप्शन होगा वो एचबी साइड, एचबी बाइंडिंग के मिडिल में लगाए जाते हैं। तो एचबी साइड के जो है वो मिडिल में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल का कार्य क्या होता है? तो चूंकि सबसे ज़्यादा जो हीट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के पास, तो वाइंडिंग के पास क्या किया जाता है, ऑयल भरा जाता है, और कंजर्वेटर टैंक में भी हाफ पार्शियली ऑयल रहता है। तो इसका कार्य क्या होता है, उसको कूलिंग प्रदान करना, और ये दोनों का कोई कनेक्शन ना हो तो इंसुलेशन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के मध्य वोल्टेज में अंतर कितना होता है? तो एक ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी के जो मध्य फेज एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है।